पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया। दिल्ली में एक दिन पहले यानी कि 16 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दूसरे दिन ही यानी कि आज बीजेपी ने दोनों राज्यों में ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर एक बड़ा दांव खेला है। देवास के सोनकच्छ से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी राजेश सोनकर को बनाया है। सोनकच्छ के लिए राजेश सोनकर का नाम चौंकाने वाला है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक सज्जन सिंह वर्मा के सामने बीजेपी ने राजेश सोनकर को मैदान पर उतारा है। राजेश सोनकर ने अब तक अपना मैदान शामली में तैयार किया था, लेकिन उन्हें सोनकच्छ भेजकर उनके लिए पार्टी ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। प्रदेश में 39 सीटों के साथ बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव का माहौल बना दिया है। ऐसे में अगर बात की जाए तो सोनकच्छ से फिलहाल अगर सीट की अगर बात की जाए तो राजेश सोनकच्छ जी को ये सीट दी गई है। आप देख रहे हैं कि तमाम उनके कार्यकर्ता जो स्वागत करने के लिए उनके कार्यकर्ता है जो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब राजेश सोनकच्छ जी से हम बात करते हैं क्योंकि उनका जो चुनावी मैदान था वो अधिकतर मजबूत क्षेत्र जो था वो सांवेर था। ऐसे में अब सोनकच्छ को लेकर उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरीके से इस चुनाव को ग्राउंड वो तैयार वहां पर करेंगे उसको लेकर हम बात करेंगे। राजेश आपसे बात करूं तो पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है और आपको अब मैदान दिया है सोनकच्छ का, इसको कैसे देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और पार्टी ने जब जब मुझे जो जो जवाबदारी दी उस पूरी जवाबदारी को पूरा करने के लिए हमेशा काम किया है। वैसे अभी अगर बात करें तो आपका पूरा ग्राउंड आपने सांवेर में तैयार किया, लंबे समय आपने काम भी किया, विधायक भी यहाँ से रहे, और अब आप कैसे देख रहे हैं क्योंकि अब आपको देवास जिले में जाकर चुनाव लड़ना है, सोनकच्छ में आपको चुनाव लड़ना है, इसको किस तरीके की चुनौतीपूर्ण देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा से छोटा कार्यकर्ता हर क्षेत्र में काम करने में निपुण, और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी में चुनौती कुछ भी नहीं है। अगर बात करें तो सोनकच्छ से अभी वर्तमान में अगर बात करें तो जो विधायक हैं कांग्रेस से और पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वहां से विधायक हैं, अब उनको कैसी चुनौती मानते हैं क्योंकि उनका तो वहीं ग्राउंड तैयार है, आपने जाना है, हालांकि समय के पहले टिकटों की घोषणा हो गई है, समय काफी है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सोनकच्छ के लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, जिस प्रकार की तड़प मैंने देखा है सोनकच्छ के लोगों में कि किसी भी वो तो मैं समझ रहा हूँ कि 3 महीने जो चुनाव का बचा है वहाँ की जनता से इंतजार नहीं हो रहा कि 3 महीने का वो समय कब आएगा। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल जो 39 सीटें हैं उसमें जो घोषणा की गई है उसमें 2 सीटों की घोषणा की गई, एक में मधुवर्मा की बात कर ली जाए, दूसरी अगर बात की कर ली जाए तो सोनकच्छ से राजेश सोनकर का नाम फाइनल हुआ है। आप देखेंगे कि तमाम उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हमरा सिसोदिया, इंदौर।